भाइयों बहनों, हम सबका यह सौभाग्य है शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर को वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, भाइयों बहनों, यह हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक डेढ़ एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए, एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है
और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा कुंभ के अवसर पर स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जोड़ने का कार्यक्रम है और ये गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेसवे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।